मौसम को लेकर मौसम विभाग का बड़ा अपडेट, तूफान के चलते 144 ट्रेनें कैंसिल। तमिलनाडु में स्टेरअप के 100 जवान तैनात। 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में साइक्लोन का होगा लैंडफॉल। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के IMD ने आंध्र प्रदेश और सटे तमिलनाडु के तटों के लिए चक्रवात का अलर्ट जारी किया है। वही इस तूफान का नाम जो है मेचोंग रखा गया है। वही मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र जो है डिप्रेशन में बदल गया है। अगले 12 घंटों में यह तूफान में बदल जाएगा। वही आज दोपहर तक यह आंध्र प्रदेश और आसपास उत्तरी तमिलनाडु तटों के नजदीक पहुंच जाएगा। इसके बाद ये 5 तारीख को आंध्र प्रदेश में लैंडफॉल करेगा। वही मौसम विभाग के अनुसार 5 तारीख तक जो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वही साइक्लोन को देखते हुए साउथ सेंट्रल रेलवे ने 144 ट्रेनें जो है कैंसिल कर दी है। इसमें 118 ट्रेनें जो है लॉन्ग रूट की है। वही तमिलनाडु में SDRF के 100 जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। वही मौसम विभाग के मुताबिक 5 तारीख को सुबह ये तूफान जो है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और मछलीपट्टनम तट के बीच में लैंडफॉल करेगा। इस समय तूफान की स्पीड 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। 100 किलोमीटर तक स्पीड जाने की इसकी संभावना जताई गई है। वही इस तूफान के कारण तमिलनाडु के त्रिवुल्लर, कोचीपुरम, चंगलपट्टू और इसके अलावा चेन्नई, तेनाकासी और तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिले सहित 5 से अधिक जिलों में मध्यम से तेज बारिश के आसार और बिजली गिरने की चेतावनी जो है यहां पर जताई गई है। यानी चेतावनी जो है वो यहां पर दी गई है, संभावना जताई गई है। वही आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा में अधिकांश स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा और आज और कल 2 दिनों तक अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। ओडिशा में भी आज और कल 2 दिन और 5 तारीख तक जो है यहाँ पर 6 तारीख तक जो है यहाँ पर ओडिशा के अलग अलग इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके चलते यहाँ पर 7 तटीय जिलों में बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुरी और खुर्दा जिले और गंजम जिले में जो है अलर्ट जारी किया गया है। यानी ओडिशा के इन जिलों में जो है बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पुडुचेरी में भी यहाँ पर तूफान के चलते जो है आज पुडुचेरी के कई इलाकों में यहाँ पर सभी स्कूल कॉलेजों की छुट्टियाँ घोषित कर दी गई है। पुडुचेरी सरकार की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वही मेचोंग तूफान का नाम जो है म्यांमार ने दिया है। इसका मतलब होता है ताकत या लचीलापन होता है। मेचोंग साइक्लोन साल 2023 में बंगाल की खाड़ी का चौथा और हिंद महासागर में बनने वाला ये छठा तूफान जो है वो है, यानी छठा तूफान ये यहाँ पर है। तो इस तूफान को लेकर जो है अभी अलर्ट जो है देश के कई इलाकों में जारी किया गया है। वही मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी है उसके मुताबिक एक पश्चिम विक्षोभ जो है अभी फिलहाल सक्रिय हुआ है। इसके कारण जो है अभी उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। वही कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। राजस्थान, गुजरात और हरियाणा और MP के कई इलाकों में चटपट बारिश और कोहरे का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। वही कोहरे के कारण जो है राजस्थान में भी यहाँ पर कई इलाकों में जो है यहाँ पर सर्दी जो है बढ़ी है। आगामी दिनों में सर्दी में यहाँ पर बढ़ोतरी होने के आसार जताए गए हैं। बारिश के बाद सर्दी में बढ़ोतरी होगी।